अथ श्रीयोग उत्पत्तिप्रकरणे त्रिंशः सर्गः श्रीवसिष्ठोवाच पृथिव्यप्तेजसाम् तत्र नभस्वन्नभसोरपि यथोत्तरम् दशगुणानतीत्यावरणान् क्षणात् ददर्श परमाकाश तत्प्रमाणविवर्जितम् तथा ततम् जगदिदम् यथा तत्राण्डमात्रकम् सर्गान् ब्रह्माण्डेषु ददर्शसा कोटिशः स्फुरितान् व्योम्नि त्रसरेणूनिवातपे महाकाशमहाम्भोधौ महाशून्यत्ववारिणी महाचिद्रव भावोत्थान बुद्बुदा नर्बुद प्रभान कांश्चिदापततो धस्तात कांश्चिच्चोपरिगच्छत कांश्चित्तिर्यग्गते स्तब्धान स्वसंविदा यत्र यत्रोदिता संविद्येशां येशां यथा ये ये यथा ये तत्र तत्रोदितम् रूपम् तेषाम् तेषाम् तथा तथा नेहैव तत्र नामूर्ध्वम् नाधो न च गमागमाः अन्यदेवपदम् किञ्चित्तस्माद्देहागमम् हि तत् उत्पद्योत्पद्यते तत्र स्वयम् संवित् स्वभावतः स्वसङ्कल्पैः शमं याति बालसंकल्पजालवतु श्री राम उवाच के मदस्यत कि मुहूर्तवंस्यात किम भासुरे इति ब्रूहि मम ब्रह्मन इहैव यदि नस्थितं श्री वशिष्ठो वाचो स सर्वावरणायेते महत्यन्तविवर्जिते ब्रह्माण्डा भान्ति दुर्दृष्टेऽर्भ्योम्नि केशोऽण्ड्रको यथा प्रधावन्ति पदार्थाः सर्व एव यत् ब्रह्माण्डे पार्थिवो भागस्तददस्तूर्ध्वमन्यथा पिपीलिकानाम् महताम् व्योंबर्तुलोष्ठ के दशदिकमध पाद पृष्ठमूर्धदृत वृक्षवलमीकृदूतल ससुरा नरद्यन बेष्टिम व्योम निर्मल संभूत सहभूतेन स ग्रामपुरपर्वतम इदम् कल्पनभूतेन पक्वाक्षोटौमिबत्व च यथा विन्ध्यवना भोगे प्रस्फुरन्ति करेण वः तथा तस्मिन्परा भोगे ब्रह्माण्डत्रसरेण वः तस्मिन् सर्वम् ततः सर्वम् तत्सर्वम् सर्वतश्च यत् तच्च सर्वमयो नित्यं तथा तदनुकं प्रति शुद्ध बोधमये तस्मिन् परमा लोकवारिधौ अजश्रमेत्य गच्छन्दि ब्रह्मांडाख्या स्तरंगकाः ररंगा इव तोयेब्धौ प्रोय्यन्ते शून्यतारणवे केशाम् चितंतह कल्पंतह प्रवृत्तो गर्घरारवः नश्रुतो न्यइर् नचज्ञातः स्वभावेन रसाकुलैः अन्येशाम् प्रथमा रम्भे शुद्धभूशु सर्गः संसक्तिबीजानाम् कोशेऽङ्कुरकला यथा महाप्रलयसम्पत्तौ सूर्यार्चिर्विद्युतोद्रयः गलितुम् केचित्तापे हिमकणा इव आकल्पम् निपतन्येव केचिदप्राप्तभूमयः यावद तथा संविन्मयाः किलो स्तब्धा इवस्थिताः केचित केशों द्रगमि बाम्बरे बायोः इवा भान्ति तथा प्रोदित संविदः आचारात वेदशास्त्रानां माध्यये आरंभोपि तथाान्येशामनित्यः संस्थितः क्रमः केचित् ब्रह्मादि पुरुषाः केचित् विश्ववादि सर्गपाः केचित् चान्य प्रजानाथाः केचन निर्नाथजन्तवः केचित् विचित्र केचित्तरियं मयांतराः केचिदे कारणवापूर्णा इतरे जनिवर्जिताः केचिच्छिलाङ्ग निस्पिण्डाः केचित् कृमिमयांतराः केचित् देवमया एव केचिन्नरमयांतराः केचिन्नित्यान् धकाराढ्या

पूर्णायेऽन्तर्धियामिह कल्पनामपि नायान्ति व्योमपूर्णाचलो यथा तादृगम्बरमेतेषाम् महाकाशम् ततम् स्थितम् आजीवितम् प्रगच्छद्भिर्विष्ण्र्यन्नमीयते प्रत्येकस्याण्डगोलस्य स्थकत्न भूताकृष्टिको भाव पार्थिव भा स्वस्व योस्किया विषय तत तजगने शक्तिर्न ममास्ति महामते भीमान्धकारगहने सुमहत्यरण्ये नृत्यन्तदर्शितपरस्परमेव मत्ताः यक्षा यथा प्रवीतते परमाम्बरेन्त रेवं स्फुरन्ति सुबहूनि महाजगन्ति इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्यने विचित्र ब्रह्मांड कोटि वर्णनम नाम त्रिमश सर्गः अथ एक त्रिमश सर्गः श्री वशिष्ठौ वाच एवमाकलयन्त्यौ ये निर्गत्य जगतो निजात अंतःपुरं ददृशतुर्जटित्येवो बिनिर्गते स्थितपुष्पभरा पूर्णा महाराजमहाशवम् शवपार्श्वोपविष्टान्तश्चित्तलीला शरीरकम् घनरात्रितयाल्पाल्प महानिद्राजनाकुलम् धूपचन्दनकर्पूर कुङ्कुमामोदमन्थरम् तमालोक्यापरं परं भर्तुः संसारं गन्तुमादृता पपातलीला सङ्कल्प देहेनात्रैव तन्नभः विवेशभर्तुः सङ्कल्पसंसारम् किञ्चिदातदं संसारावरणम् भित्वा भित्वा ब्रह्माण्डकर्परम् प्रापसार्धं तया देव्या पुनरावरणान्विदम् ब्रह्माण्डमण्डपम् स्फारम् तम् प्रविश्य तथा जवात् ददर्श भर्तुः सङ्कल्प जगज्जम्बालपल्लवम् सिंहीव शैलकुहरम् तमो जलदपङ्किलम् दौ बिबिशतुस्तस्ते व्योम व्योमात्मिके जगत् ब्रह्मांडेन्तर्यथा पक्व मृदु पिपीलिके तत्र लोकांतराण्यद्रीन्नंतरिक्षमतीत्यते प्रापतुर्भूतलं शैल मंडलां भोधि संकुलं मेरुणालङ्कृतम् जम्बुद्वीपम् नवदलोदरं। गत्वाथ भारते वर्षे लीलानाथस्य मण्डलम् एतस्मिन्नन्तरे मण्डले मण्डितावनौ चक्रेवस्कन्दनम् कश्चित् सामन्तोद्रिक्तभूमिपः तेन सङ्ग्रामसंरम्भे प्रेक्षार्थं समुप आगदैः त्रैलोक्य भूतैस्तद्व्योम बभूवात्यंत संकटं अशंकित आगते ततते देव्यौ ददृशत urnभः नवश्चर गणाक्रान्तं मम गणविद्याधरान्वितम् शूरग्रहणसंरब्ध स्वर्गलोकाप्सरोऽवृतम् रक्तमांसोन्मुखोन्मत्तभूतरक्षः पिशाचकम् हस्तविद्याधराङ्गनम् बेतालयक्षकूष्माण्डैर् द्वन्द्वालोकनसादरैः आयुधापातरक्षार्थम् गृहीताद्रितटैर्वृतम् आहो आहोपुरुषिका क्षुब्ध आसन्न आसन्नभीमसङ्ग्राम किं वदन्ति परस्परम् सुन्दरी धृतचामरम् धर्माप्रेक्ष्य प्रयुक्ताग्र्य मुनिस्वस्त्ययनस्तवम् सम्पन्नानेकलोकेश बसरस्तवम् स्वर्गार्हशूरानयनव्यग्रेन्द्रभटभासुरम् शूरार्थालङ्कृतोत्तुङ्गलोकपालाख्यबारणम् आगच्छूरसन्मानोन्मुख गन्धर्वचारणम् शूरोन्मुखामरस्त्रैण कटाक्षेक्षितसद्भटम् बीरदोर्दण्डकाश्लेष लंपट स्त्रीगणाक शुक्ल शूरयशसा चंद्रीतिवाकम उवाच भगवूशब्देन कीदृश प्रोच्य भटालकरण कह सिया बाहबो भेत श्रीवशिष्ठ उच शास्त्रोक्ताचारयुक्त प्रभोरर्थन यो रे मृतो बाथ शूरलोकभाक अन्यथा शूरलोकथाणीतांगो रे मृतिमा डिंबावत प्रोक्त स नरो नरकास्पदम् अयथा शास्त्र संचार वृत्तेरर्थ न युध्यते यो नरस्तस्य संग्रामे मृतस्य निरयो क्षयः यथा संभव शास्त्रार्थ लोकाचारानुवृत्तिमान युध्यते तादृशश्चैव भक्तः शूरः स उच्यते गोरर्थे ब्राह्मणस्यार्थे मित्रस्यार्थे च सन्मते शरणागतयत्नेन सोमृतः स्वर्गभूषणम् परिपाल्य स्वदेशैकपालने यः स्थितः सदा राजा ये ते वीरा वीरलोकिनः प्रजोपद्रवनिष्ठस्य राज्यो राग्योंथवा प्रभो अर्थे ने मृता युद्धे ते वै निरयि ये राग्यामराग्यांबाप्यशास्त्रकारिणे म्रियंते छिन्नांगस्तेरयिन धर्म्यं यहां

खड्गधारा सहंती ये ते शूरा इति कथ्यन्ते शेषा डिंभा हबाहता तेषामर्थे रणं व्योम्नि तिष्ठन्त्युत्कंठिताशयाः शूरीभूत महासत्व दयितोक्ति सुरांगनाः विद्याधरी मधुरमन्थरगीतिगर्भम् मन्दारमाल्यबलनाकुलकामिनीकम् विश्रान्तकान्तसुरसिद्धविमानपङ्क्ति व्योमोत्सवोच्चरितशोभमिवोल्ललास इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकि उत्पत्ति प्रकरण युद्ध प्रेक्षिका स्थितांबर वर्णनम नाम एकत्रिशर्ग अब इस तीस और में सर्ग में लीला द्वारा ब्रह्मांडों का निरीक्षण और दोनों देवियों का भारतवर्ष में लीला के पति के राज्य में जाना और वहाँ युद्ध का आयोजन देखना तथा शूर के लक्षण तथा डिम्बाहव की परिभाषा डिम्बाहव माने बालकों का युद्ध बालक माने अज्ञानी अज्ञानी लोग व्यर्थ में ही लड़ते हैं और उनकी सदगति नहीं होती श्री वशिष्ठ जी कहते हैं रघुनंदन तदनंतर लीला ने उस अपरिमित चेतन आकाश स्वरूप परमात्मा में इस जगत की ही भांति फैले हुए अनंत ब्रह्मांडों को देखा जैसे धूप निकलने पर खिड़की के छेद में से जो किरणें घर में आती हैं उनके अंतर्गत आकाश में असंख्य त्रसरेणु दृष्टिगोचर होते हैं उसी प्रकार लीला ने उन सभी ब्रह्मांडों में सृष्टियों को देखा जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान भूत चैतन्य से भाषित थी अविद्या रूपी जल से भरे हुए उस महाकाश रूपी महासागर में महाचैतन्य के स्फुर रूप द्रवी भाव से प्रकट हुए असंख्य ब्रह्मांड रूपी बुद्ध को लीला ने वहाँ पर देखा जिसकी दृष्टि अज्ञान से दूषित है उसी पुरुष का असीम एवं महान चेतन आकाश रूप परमात्मा में संपूर्ण आवरणों से युक्त ये ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं सारे ही पदार्थ परतंत्र होने के कारण बेग पूर्वक इधर उधर भाग रहे हैं उनमें परस्पर आकर्षण होने के कारण वे गिरते नहीं ब्रह्मांड में जो महा रूप भाग है वह उसका अधो भाग है और उससे भिन्न जो आकाश है वह उसका ऊपरी भाग है जैसे गोल मिट्टी के ढेले में दशों दिशाओं की ओर से सटी हुई चींटियों के जो पैर होते हैं वे ही उनके अधो भाग हैं और जिस ओर उनकी पीठ रहती है वही ऊपर का भाग है उसी प्रकार दसों दिशाओं में संलग्न जो पैर हैं वे ही नीचे के भाग कहलाते हैं और आकाश की ओर जो पीठ या सिर होते हैं उन्हें ऊर्ध भाग में स्थित बताया जाता है यह बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि किन्ही किन्हीं ब्रह्मांडों में भीतर की भूमि वृक्षों और बल्बिकों के समूह से व्याप्त है उसमें मनुष्य नहीं रहते और उन ब्रह्मांडों का निर्मल आकाश देवता किन्नर तथा दैत्यों से युक्त विभिन्न लोकों से वेष्टित है भरा हुआ है जैसे पका हुआ अखरोट का फल छिलके से ढका रहता है उसी प्रकार कुछ ब्रह्मांड तत्काल कल्पित जरायुज उद्भिज अंडज और स्वेदज चार प्रकार के प्राणियों तथा ग्राम नगर और पर्वतों से युक्त होकर उत्पन्न हुए हैं स्थिति काल में संपूर्ण पदार्थ चेतन परब्रह्म परमात्मा में रहते हैं काल में उसी से उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में सब उसी में लीन हो जाते हैं अतः संपूर्ण दिशाओं कालों और वस्तुओं में वही एक अखंड परमात्म सत्ता है उससे अतिरिक्त कोई नहीं है वही नित्य सर्वमय आत्मा है उस परम प्रकाश के सागर शुद्ध बोधमय चेतन आकाशस्वरूप स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में ब्रह्मांड नामक तरंगें निरंतर उठती और विलीन होती रहती हैं किन्हीं ब्रह्मांडों में महाप्रलय की प्राप्ति होने पर जैसे सूर्य का ताप लगने से हिमकण गल जाते हैं उसी प्रकार सूर्य अग्नि विद्युत और पर्वत भी गलने लगते हैं कुछ ब्रह्मांडों के आदि पुरुष सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं और कुछ के आदि सृष्टा और पालक भगवान विष्णु हैं कुछ ब्रह्मांडों के प्रजापति दूसरे रुद्र एवं दुर्गा आदि हैं तथा कुछ ब्रह्मांडों में जो जीव जंतु हैं उनका कोई भी नाथ रक्षक या नियंत्रण करने वाला नहीं होता इसी तरह कुछ ब्रह्मांडों की सृष्टि और प्रजापति विचित्र ही हैं हे है महामते जगत के वर्णन के विषय में हमारी बुद्धि का जो संपूर्ण वैभव था हम उसे दिखला चुके उसके बाद जो जगत है वह हमारी बुद्धि का विषय नहीं है अतः उसका वर्णन करने में हम असमर्थ हैं अपने पूर्व जन्म के संसार से निकलकर पूर्वोक्त रीति से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की विचित्रता को देखती हुई उन दोनों स्त्रियों ने किसी ब्रह्मांड में प्रवेश करके वहाँ के अंतपुर को देखा और फिर वहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल आई उस अंतपुर में पुष्प राशि से आच्छादित महाराज पद्म का महान शव रखा था उस शव के पास ही बैठी हुई लीला का स्थूल शरीर था जिसका चित्त समाधि अवस्था में आरूढ़ था शोक के कारण रात्रि बड़ी प्रतीत होने से वहाँ के लोग कुछ कुछ प्रगाढ़ निद्रा से युक्त थे वह अंतपुर धूप चंदन कपूर और केसर की सुगंध से भरा था उसे देखकर लीला को पति के दूसरे संसार में जाने की इच्छा हुई अर्थात राजा पद्म मृत्यु के पश्चात जहाँ उत्पन्न हुए थे वहाँ जाने के लिए वह उत्कंठित हुई तब वे दोनों देवियाँ विभिन्न लोकों पर्वतों और आकाश को लांघकर भूतल पर पहुँची जो पर्वतमालाओं तथा समुद्रों से घिरा हुआ था तत्पश्चात मेरू पर्वत से अलंकृत द्वीप में गई जिसका भीतरी भाग नौ खंडों में विभक्त है द्वीप के भीतर भारतवर्ष में लीला के पति का राज्य था वहीं वे दोनों जा पहुंची इसी समय जो भूमंडल का मंडन था उस राज्य में किसी राजा ने आक्रमण किया अपने सहायभूत सामंतों के कारण उस आक्रमणकारी भूपाल की शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी थी उस राजा के साथ संग्राम छिड़ने पर उसे देखने के लिए आए हुए तीनों लोगों के प्राणियों से वहाँ का आकाश ठसाठस थस भर गया उक्त दोनों देवियाँ निशंक होकर वहाँ आ गईं उन्होंने उस आकाश को आकाशचारी प्राणियों के समुदाय से इस तरह आक्रांत देखा मानो वहाँ मेघों की घटा घिर आई हो स्वर्गलोक में स्थान पाने योग्य शूरवीरों को लाने के लिए व्यग्र हुए इंद्र के भट्ट वहाँ के आकाश को उद्भाषित कर रहे थे श्री राम जी ने पूछा भगवन शूर शब्द से किस तरह के योद्धा का प्रतिपादन किया जाता है कौन स्वर्ग का अलंकार है अथवा कौन डिम्बाहव बच्चों का युद्ध कहलाता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा रघुनंदन जो शास्त्रोक्त सदाचार से युक्त स्वामी के लिए रणभूमि में युद्ध करता है वह चाहे मरे या विजयी हो दोनों अवस्थाओं में शूर कहा जाता है और वही स्वर्गलोक का भागी होता है पूर्वोक्त विधि से विपरीत अत्याचारी स्वामी के लिए युद्ध करके जो रणभूमि में किसी प्राणी के द्वारा अंगों के कट जाने से मृत्यु को प्राप्त होता है वह डिम्बा हब में मारा गया कहलाता है ऐसा मनुष्य नरकगामी होता है जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल नहीं है उसके लिए जो मनुष्य युद्ध करता है वह यदि संग्राम में मारा जाए तो उसे सदा बने रहने वाले नरक की ही प्राप्ति होती है संभव शास्त्र की आज्ञा और लोकाचार का पालन करने वाला जो व्यक्ति रणभूमि में धर्म युद्ध करता हुआ मारा जाता है और वैसे ही सदाचारी स्वामी का भक्त होता है वह शूर कहलाता है शुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन जो गौ ब्राह्मण तथा मित्र की रक्षा के लिए प्राण देता है अथवा शरणागत की रक्षा के लिए यत्न करते हुए मारा जाता है वह शूरवीर स्वर्गलोक का अलंकार है गोरअे ब्राह्मणस्याथे मित्र सर्थे च सन्मते शरणागत यत्ने न सौमृत स्वर्गभूषणम् राजा के लिए अपना देश सदा ही रक्षणीय होता है जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वे ही वीर हैं और उन्हीं को बीर लोक की प्राप्ति होती है जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही लगा रहता है वह राजा हो या न हो वैसे स्वामी के लिए जो युद्ध में प्राण देते हैं वे निश्चय ही नरकगामी हैं जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं वे राजा हों या न हों उनके लिए जो युद्ध में अपने अंगों को कटवाकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे निस्संदेह है, नरक में गिरते हैं जो सदाचारी पुरुषों के लिए तलवार की धार को सहन करते हैं बेशूरवीर कहे जाते हैं शेष सभी डिम्भा में बालकों के युद्ध में अज्ञानियों के युद्ध में मारे गए कहलाते हैं इस प्रकार तीसवें सर्ग में अनंत कोटि विचित्र ब्रह्मांडों का वर्णन किया गया और इकतीसवें सर्ग में युद्ध प्रेक्षिका के रूप में आकाश में स्थित दोनों देवियों ने युद्ध का दर्शन किया इसका वर्णन किया गया इस प्रकार तीसवा और इकतीसवां सर्ग पूरा हुआ